अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा गांधी परिवार की जाती शहादत। कांग्रेस ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से लोकसभा में की गई टिप्पणी को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि गांधी परिवार की जाति शहादत है, लेकिन भाजपा आरएसएस इसे कभी नहीं समझेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी जातिवादी गाली को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन जाति जनगणना कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हाँ, मैं भारतीय हूँ और दलित हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कितने हैं। हाँ, मैं आदिवासी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कितने हैं। हाँ, मैं पिछड़ा वर्ग हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कितने हैं। आज हम सभी को यह आंकने की जरूरत है कि इस देश की तरक्की में हमारी कितनी भागीदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आरएसएस वालों की हमसे ये छिपाने की साजिश है, ताकि वो हमें पिछड़ा रख सकें और षड्यंत्रकारी बहानों से आरक्षण छीनकर हमारे अधिकारों पर कब्जा जमा सकें। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये सब उनके कहने पर हुआ है। प्रियंका गांधी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का एक वीडियो साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी। नरेंद्र मोदी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये उनके कहने पर हुआ है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की जाति शहादत है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि यह मानसिकता भाजपा की हो सकती है कि वह एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। राहुल के पिता का नाम शहीद और उनकी जाति का नाम शहादत है।